नवीमुंबई की एपीएमसी पुलिस ने कटी हुई लाश की शिनाख्त मनोज मंडोलिया के तौर पर करते हुए वारदात की गुत्थी सुलझा ली है। कोपरखिरने का रहने वाला मनोज मंडोलिया का हत्यारा सुमित चौहान भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवीमुंबई के पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मृतक और आरोपी में 17,000 रुपयों के लेन देन का विवाद चल रहा था। हालांकि सवाल यह है कि क्या महज 17,000 के लेन देन के लिए कोई इस तरह की जघन्य हत्या भी कर सकता है। पुलिस आयुक्त ने जवाब दिया कि जांच चल रही है और जल्द ही इस हत्या के दूसरे पहलुओं का भी पता चल जाएगा। आरोपी ने मृतक के शरीर के 9 टुकड़े कर पानी में बहा दिया था। देखिए रिपोर्ट। देखिए, एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन है जो हमारे एपीएमसी पुलिस स्टेशन की जो टीम है और डीसीपी जोनवन के मार्गदर्शन में, एसीपी वासी डिवीजन के मार्गदर्शन में और एपीएमसी पुलिस स्टेशन की जो टीम अधिकारी कर्मचारी हैं, सबने मिलकर बड़ा अच्छा एक डिटेक्शन किया है। और इसमें थोड़े में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को, इसी महीने में 12 सितंबर को, जो माथाड़ी चौक है एपीएमसी पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे एक प्लास्टिक के उसमें बैग में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे जिसको मानवीय अवयव बोलते हैं। तो उसमें हमको करीब 7 पार्ट्स मिले थे उसमें, और उसमें 2 हाथ का था और 2 पैर और 2 मांडी जो जांग बोलते वो था और एक ऊपर के हाथ का पोर्शन था, ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। और उस समय हमारे पास में कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी सुराग नहीं था कि ये किस इंसान का बॉडी पार्ट है और ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, क्या हो सकता है इसके पीछे। लेकिन इसमें जो एपीएमसी की जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो टीम थी उन्होंने और जोनवन की जो टीम ने, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको तफ्तीश करके, तपास करके, आसपास के जो थाना अपना एरिया है, थाना है बॉम्बे है, मीरा भाईंदर है, बाकी जगह पे भी कोई मिसिंग है और भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कुछ भी सुराग मिले, तो सारा मेहनत करने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोपरखैरने में एक मिसिंग कंप्लेंट 11 सितंबर का दाखिल था, जिसमें जो मिसिंग पर्सन था वो रविंद्र मडोड़िया करके था उसका नाम, और इसके हाथ पे रविंद्र लिखा हुआ था। थोड़ा सुराग बाद में जब सफाई किया, उन्होंने पूरा अच्छे से देखा, तो उसमें उसको हाथ रविंद्र लिखा हुआ था उसमें, और एक हनुमान का चित्र था वहाँ पे। उसके बेसिस पे फिर वो मिसिंग सारा, कई बहुत सारे मिसिंग देखने के बाद में फिर कोपरखैरने से मैच हुआ। उसके बाद में फिर वो उसकी शिनाख्त की गई और जो मिसिंग था वो ये जो विक्टिम है, जो मैयत है रविंद्र मडोड़िया, उसकी उनकी पत्नी ने ही एक मिसिंग कंप्लेंट दिया था वहाँ पे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी कि उसके जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स है कहाँ पे, उसका धड़ कहाँ पे, उसका सिर कहाँ पे है, तो उसकी तपास की, हथियार की तपास की और कौन आदमी किसने मारा होगा, तो बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। और उसमें बाद में सब पता लगा कि इसमें जो आरोपी है उसके पहचान का ही था, उसका दोस्त ही था वो, और उसका नाम है सुमित कुमार हरीश कुमार चौहान, 27 साल का है, और जो रविंद्र मडोड़िया जो मर गया है 30 साल का है। ये दोनों स्वीपर के काम करते थे, इनका कुछ पैसे का लेने देने का कुछ मैटर था, कुछ झगड़ा हुआ था, और आरोपी जो है उसने विक्टिम के जो मैयत है उसके घर में ही जाकर के उसको मारा था। अब ये उसके बाकी और भी इसमें कोई इन्वॉल्व है क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी आज तक अभी हमारे पास में हथियार मिला हुआ है और उसका पूरा बॉडी पार्ट्स मिल गया है, आरोपी भी हमने अरेस्ट कर लिया है, आरोपी अभी गुनाह कबूल कर लिया उसने, और एविडेंस भी हमारे पास है, पुलिस कस्टडी में भी है, 22 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है,
और इसमें हम और भी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम जारी रखे हैं अभी, और उम्मीद है कि इसमें और भी अगर कुछ कोई इन्वॉल्व होगा या कुछ और चीज़ें होंगी तो बाद में उसको भी हम कार्रवाई करेंगे, जैसा भी तपास चलेगा। तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, तो उसमें अब और भी कोई इन्वॉल्व होगा, और भी क्या कारण है, मोटिव क्या है, क्या और चीज़ें कुछ हो सकती हैं। अभी जो सामने आया है कि पैसे का कुछ था, कुछ उसको झगड़ा भी हुआ था, और शायद अभी वो बोलता है कि मुझे विक्टिम खुद ही हमको मारने के उसमें बोला था कभी उसको, वो अभी सारी चीज़ें जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर कुछ और होगा तो समझ में आएगा कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है और कोई और भी कारण है, उससे बाद में पता लगेगा। एक्चुअली जो एविडेंस है उसको ख़त्म करने के लिए, पुरावा नष्ट करने के लिए, कि बाद में सारे चीज़ मिलेंगे नहीं तो फर्दर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, वो बच जाएगा। हर एक जो गुनहगार होता है अपने बचने के लिए बहुत कुछ करता है, उस समय उसका जो दिमाग में जो सोच होती है ना उसके हिसाब से करता है वो। लेकिन हर जगह पे कोई गुनहगार जो है एक ट्रेल छोड़ देता है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में वो कहीं ना कहीं कुछ तो सुराग छोड़ता है, उसी से बाद में उसके पीछे हम जाते हैं पकड़ते हैं। तो ये भी उसको लगा होगा कि अगर हमने इसको काट काट के फेंक दिया तो शायद पहचान में नहीं आएंगे, शिनाख्त नहीं होगी, पता नहीं चलेगा पुलिस को, तो अपने बचने के लिए उसने उसमें जो दिमाग में रहा किया उसने ये। मयत ने भी एक मर्डर ऐसा ही ब्रूटल किया था, और जब ये उसको चाकू दिखाता था तो उसको बोलता था कि मैं तुम्हारा ऐसा काट काट के टुकड़े करके अलग अलग जगह डाल दूँ। अब वो उसका भी जो मयत है उसका भी ये डिटेल्स तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है वो, बट रिकवरी हो गई हमारी, उसने खुद दिखाया, इनफैक्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिकवर किया है, जो सिर जो है वो बॉडी वहाँ पे सिर को एग्जूम करके उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने उसको पंचनामा करके निकाला है, और वो इन्वेस्टिगेशन में आरोपी पकड़ने के बाद में उससे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में और भी तफ्तीश करने के बाद उन्होंने पकड़ा इसको। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।